नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई और उसके बाद से ही एक टर्म बहुत तेजी से वायरल होने लगा और ये टर्म था तानाशाह या फिर तानाशाही। इस्तेमाल हुआ नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए, उनके कामकाज के स्टाइल को लेकर। लेकिन एक सवाल आपसे, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी तानाशाह है? अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह है तो फिर इंदिरा गांधी के राज में जो कुछ भी हो रहा था वो क्या था? आज हम आपको इसी फैक्ट से रूबरू कराएंगे कि कैसे उस वक्त गायकों को गाने नहीं दिया जाता था, या तो समर्थन में गाइए नहीं तो उनके गाने बैन कर दिए जाते थे। आज हम चर्चा करेंगे उन किताबों के बारे में जो उस वक्त बैन कर दी गई थी, हटा दी गई थी कि इनके बारे में कोई ना पढ़ पाए। इसके अलावा चर्चा करेंगे उन एजुकेशन मिनिस्टर्स को लेकर जो एक समुदाय विशेष को दिए गए थे, वो मंत्रालय क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिए गए थे, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, एक एक करके पॉइंटर समझाइए और बताइए कि मैंने शुरुआत में जो कहा कि तानाशाही अब है या तब थी? बात तानाशाही की नहीं है, बात फैक्ट की है नम्रता। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी व्यक्ति से इतर जाकर कुछ बातें बताता हूं और लोगों को यह फैसला करना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। किशोर कुमार हम सबके फेवरेट, कितने अच्छे गायक थे सब जानते हैं। उनको आकाशवाणी से बैन क्यों किया गया था? क्योंकि उस वक्त सिर्फ रेडियो था, इस देश में दूरदर्शन आया नहीं था। अगर कलाकारों को अपने कला का प्रदर्शन करना तो एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता था, आकाशवाणी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो भी बोलते थे उसको। बताइए कि इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार को क्यों बैन किया था? और अगर नहीं पता तो सर्च कीजिए गूगल में, नहीं पता है मुझे कि क्यों बैन किया गया था किशोर कुमार का। नहीं, हमें आपको पता है, मैं दर्शकों को बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बातें जाननी चाहिए आपको। आपको शायद पता नहीं है कि मजरू सुल्तानपुरी, बहुत फेमस लिरिसिस्ट, गीतकार, एक से एक बढ़िया बढ़िया गाने उन्होंने लिखे हैं। क्या आपको पता है कि मजरू सुल्तानपुरी को 1.5 साल के लिए कैद कर दिया गया था, जेल में भेज दिया गया था? और क्यों भेजा गया था? इस देश के लोगों को जानना चाहिए क्यों भेजा गया था। क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में सिर्फ एक बातें लिख दी थी कि वो हिटलर की तरह बिहेव कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात थी। अच्छा, आपको पता है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का हनन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि हजारों लोगों के सीने में अब भी दर्द होता है जब वो सांस लेते हैं ना। क्यों क्यों ये, मैं कम से कम 10 लोगों को ऐसे जानता हूं, अश्विनी चौबे से लेकर खुद मेरे पिता है उसमें। पता है क्यों दर्द होता है? क्योंकि इंदिरा गांधी की पुलिस ने बूटों से उनके सीने पे मारा था और तब तक मारते रहे थे जब तक कि बेहोश नहीं हो गए थे इमरजेंसी के समय। वजह, क्योंकि इमरजेंसी का विरोध। आप में से पता है कि सबसे ज्यादा किताबें कब बैन की गई इस देश में? जब इस देश में द सो कॉल्ड सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता थे जवाहरलाल नेहरू। मैं किताबों की लिस्ट बताता हूं और आप, मतलब ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप समझ नहीं गए। व्हाट हैज रिलीजन डन फॉर मैनकाइंड, एक किताब सबसे पहले 1954 में बैन हुई। रामा रिटोल्ड, भगवान राम के बारे में फिर से इन्होंने एक अलग तरीके से परिप्रेक्ष्य किया, ये ऑब्रे मेनन थे, इनकी किताब बैन हुई। डार्क अर्ज, रॉबर्ट टेलर। कैप्टिव कश्मीर, कश्मीर इशू पे एक किताब थी अजीज बेग की, कश्मीरी राइटर थे, वो बैन की गई। द हार्ट ऑफ इंडिया, भारत के दिल में क्या है, अलेक्जेंडर कॉम्बेल, ये बैन की गई। द लोटस एंड द रोबोट, ये कार्य ऑथर कौशलर की थी ये किताब। मतलब विदेशियों की भी किताबें भी जो भारत में बैन की जाती रही। आयशा, एक मुस्लिम लड़की की कहानी थी जिसके साथ इस्लाम के नाम पे ये हुआ था, गलत हुआ था, वो किताबें बैन की गई। ये किताब बैन करने की जरूरत क्या थी मुझे समझ में नहीं आया। अनआर्म्ड विक्ट्री, महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन पे किताब लिखी गई थी, राइटर का नाम बर्ट्रैंड रसेल था। उन्होंने यह बताया था कि अहिंसा या चरखा चलाने से आजादी नहीं मिली, आजादी इस वक्त से इस वजह से मिली क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी और यहां बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस का विद्रोह हुआ था, सशस्त्र विद्रोह हुआ था, सरदार भगत सिंह का हुआ था, चंद्रशेखर आजाद का हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो इसमें सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने एक सेफ्टी बल्ब खोजा
कि हम जा तो रहे हैं, हमें तो जाना है, क्योंकि पूरी दुनिया से वो समेट रहे थे अपना कारोबार, अफ्रीका से हट गए थे, एशिया से हट गए थे, तो भारत से जाना तो है, लेकिन भारत में कोई ऐसा आदमी को अपॉइंट करके जाए जो बाद में भी हमारे काम आता रहे। तो चरखे से आजादी वाला वो आदमी ढूंढा गया। तो ये किताब थी द ज्वेल इन द लोटस, मतलब ये सब अंग्रेजों के लिए किताबें हैं। अच्छा, चाइना के एक राइटर हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू को चाइना से बहुत फैंटेसी थी, उन्हें रशिया और चाइना को ऐसा लगता था कि वहां जो क्रांति हुई है, सामाजिक क्रांति, गरीबी दुनिया से ऐसी ही मिट सकती है कि गरीब लोग हाथों में बंदूक लेके अमीर लोगों को ठोक दें, तभी समाज से गरीबी मिट जाएगी। और उससे इतना इन्फ्लुएंस है, लेकिन हुई चू फैन एक राइटर थे, इन्होंने लिखी द स्ट्रगल बिटवीन टू लाइंस ओवर द क्वेश्चन हाउ टू डील विद यूएस इंपीरियलिज्म। अमेरिका के साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई चाइनीज लिख रहा है, लेकिन भारत में वो बैन कर दिया गया। ये किताब मैन फ्रॉम मॉस्को, नेहरू द पॉलिटिकल बायोग्राफी, 1971 में ये किताब आई और बैन की गई, क्योंकि इसमें नेहरू की कुछ कमियों को बताया गया। जरा सा भी आलोचना हुई, किताब बैन, दूरदर्शन पे बैन। अच्छा, ये किताबें बोरिंग हो जाएगी, मैं सारा लिस्ट बताने लगूं तो बहुत सारी किताबें हैं। सैटैनिक वर्सेस 1989, फिर 1991 अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस, हदीस के नजरिए से कैसे इस्लाम को पढ़ सकते हैं, ये राम स्वरूप जी ने लिखा था, वो किताब बैन की गई थी। ये तो 1991 में बैन की गई थी। सत्य सूर्य तुकाराम वगैरह, ये सब किताब जो लास्ट में 2014 से पहले, ठीक एक आनंद यादव की किताब आई थी 2013 में, संत सूर्य तुकाराम एंड लोकशा ज्ञानेश्वर, ये दो महापुरुष हुए हैं महाराष्ट्र के, इनके ऊपर किताब थी, उसे जाते जाते मनमोहन सिंह ने बैन कर दिया। ये है हिस्ट्री। तो सिर्फ किताब इसे, ये तो बोरिंग चीज हो गई। अब मैं फिल्मों के बारे में बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जाट लोग गुलबंद हुए, ये चौधरी देवीलाल, और ये अजीत सिंह के फादर, अभी जयंत चौधरी उनके फादर अजीत सिंह थे, उनके फादर थे, तीन हरियाणा के हुआ करते थे, हरियाणा के तीन लाल, भजन लाल, बंसी लाल वगैरह। इन्होंने क्या किया ना कि जाट एकता के लिए आंदोलन की, बस इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, और यही दिल्ली की रामलीला मैदान में वो सारे जाटों को बुलाया गया था, किसान आंदोलन का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी डर गई, लेकिन संजय गांधी तो संजय गांधी, उन्होंने अपना ट्रिक लगा लिया कि जिस दिन, जिस वक्त रामलीला मैदान में ये किसानों का आंदोलन होना था, रैली होनी थी, उसी वक्त दूरदर्शन पे नई नई लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म बॉबी दिखा दी गई, सारे नौजवान बॉबी देखने लग गए, भीड़ कम। ये ट्रिक था भाई, जानना चाहिए। बॉबी फिल्म बस नई नई आई थी और दूरदर्शन पर पुरानी फिल्में चला करती थी उस वक्त, बस लेटेस्ट रिलीज बॉबी, उसी दिन उसी वक्त दूरदर्शन पर 3 घंटे की फिल्म चली, रैली हो गई। ये था लोकतंत्र। लोकतंत्र तब इस देश में था जब हर अखबार के दफ्तर के बाहर एक इंस्पेक्टर तैनात हुआ करता था, वो चेक करने के लिए, अखबार छपने जाती तो पहले चेक किया जाता था कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है जो सरकार के खिलाफ है। और इसके विरोध में बहुत सारे अखबारों ने अपना एडिटोरियल पेज ब्लैंक छोड़ दिया, सादा। ऐसा लोकतंत्र था, ऐसा लोकतंत्र था जब आप रेलवे स्टेशन पे घूम रहे हैं तो 50-60 साल के बुजुर्ग से लेकर और एक बेचारा बच्चा तक को जबरदस्ती उठा के ले जाके नसबंदी करा दिया जाता था पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई उसकी भी नसबंदी, और जो 60-70 साल का बुजुर्ग है उसको भी पकड़ के नसबंदी, क्योंकि टारगेट दिया गया था कि प्रतिदिन एक डॉक्टर को पहले दिया गया कि 14 नसबंदी करनी है, फिर टारगेट बढ़ाया गया कि हर दिन 28 नसबंदी करनी है। अब कहां से लाएंगे इतना पेशेंट, तो जो पकड़ में आ गया उसको पुलिस उठा के पुलिस वैन में डाला और नसबंदी कर दिया। यह था इस देश का लोकतंत्र। नहीं जो जानते हैं ना उनको बहुत कुछ लगता है। और आपके याद में जब आप थे, जब आपको सब कुछ याद था, दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के प्रदर्शन के दौरान लाइट ऑफ करके और गैस आंसू गैस छोड़ के और फिर डंडे बरसाए गए, वो था इस देश का लोकतंत्र। शुरू से लेके अंत तक कोई इसमें बचा नहीं है। कांग्रेस का एक भी ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए जिसने लोकतंत्र का हनन नहीं किया हो। मैं दर्जनों उदाहरण बता दूं, कोई एक उदाहरण नहीं बताऊंगा किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के बारे में। और ये लोग आरोप किस पे लगा रहे हैं, उस
प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा है जिसने आज तक किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, जिसने आज तक किसी मूवी को बैन नहीं किया, जिसने आज तक किसी गाने को बैन नहीं किया, जिसने आज तक किसी अखबार को बैन नहीं किया, जिसे भर भर के गालियां दी जाते हैं, जिसके लिए एक पार्टी पूरा का पूरा ट्रोल आर्मी है, उसकी मां से लेके उसके परिवार से लेके खानदान से लेके क्या कुछ नहीं कहा गया, ये तानाशाह है। और लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करने वाले, सीने पर पुलिस के बूटों द्वारा रौंदवाने वाले, फिल्मों को बैन करने वाले, देश के सबसे बड़े लिरिसिस्ट सबसे बड़े गायक को आकाशवाणी से बैन करने वाले, सबसे बड़े मजरू सुल्तानपुरी को जेल में भेजने वाले, ये लोग लोकतांत्रिक हैं। लोकतंत्र की परिभाषा वही खत्म हो जाती है जहां से गांधी परिवार शुरू होता है। आज इनकी स्थिति कमजोर है, लेकिन आज भी इनका टशन देखिए। कांग्रेस के नेता बताते हैं कि जब आप जाइएगा ना गांधी परिवार से मिलने, तो किसी को भी घर के अंदर एंट्री नहीं है, किसी को भी नहीं, कितना भी बड़ा आप होइए, बाहर बेंच पे बैठिए। और जब राजकुमारों का दिल होगा तो वो बाहर आके मुलाकात करेंगे, राजकुमार राजकुमारियों का, राजमाता का। और दूसरी पार्टी में चले जाइए, आप अध्यक्ष के टेबल पे साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, कितना भी बड़ा नेता हो जाए, आज अमित शाह हो जाए, नरेंद्र मोदी हो जाए, पार्लियामेंट कैंटीन में खाते देखा है ना सबके सामने, दिखाने के लिए नहीं। नॉर्मल भी आप बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछिए कि जब वो जेपी नड्डा के साथ मिलने जाते हैं तो उन कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किसी से भी आप सर्वे करा लीजिए। कल चला खाने का वक्त हो तो उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे, जब सोने का वक्त हो तो बेडरूम में तक चले जाते हैं, यहां एंट्री नहीं है, गार्ड है। ये होता है लोकतंत्र और तानाशाही का फर्क। अरे इनको तो लोकतंत्र तब खतरे में समझ में आया जब इनके परिवार की सत्ता गई। आज तक तो इस देश का लोकतंत्र बिल्कुल फल फूल रहा था। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को, कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता जिन्हें इस देश में रिफॉर्म लाने का ये है क्रेडिट जाता है, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के गेट के अंदर नहीं आने दिया गया, गेट के बाहर लाश पड़ी हुई है और गेट पे ताला लगा दिया गया इसी कांग्रेस मुख्यालय के गेट पे। वो तो कांग्रेसी थे, जीवन भर कांग्रेसी रहे। क्यों? क्योंकि सोनिया अम्मा को पसंद नहीं चाहिए। ठीक है, ये है लोग कंपेरिजन आपने देखा, तुलनात्मक तौर पर आपने इस चर्चा को सुना, फैक्ट्स के साथ सुना, जरा बताइए इस खबर को लेकर और इस चर्चा को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं?